प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष ने बताया कि 15 से 25 दिसंबर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान विभिन्न फर्मों के स्वामी को एक ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। के लिए पिछला कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आज जिले के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सम्मुख जो है यहाँ के चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई है और जिसमें ये निर्णय किया गया है कि 15 तारीख से जो है सदस्यता अभियान जो है किया जाएगा, जिस हेतु 14 तारीख को जो है घोषणा बाजार में करवा दी जाएगी और उसके लिए 5 सेंटर जो है सदस्य बनाने के लिए 5 सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कि जो है वहाँ पर सदस्य जो है बन सके। सदस्यता के लिए जो है वही व्यक्ति सदस्य बन सकेगा जिनके पास जो व्यापार करता हो तथा उसके पास कोई न कोई इस संबंध में कोई लाइसेंस इत्यादि किसी चीज़ का भी हो और जिसका जो है दुकान की कम से कम 3 दीवारें जो है 3 दीवारें पक्की होना अनिवार्य है। तो इस संबंध में जो है बाकी अनेक जो है सारे चुनाव का ये निर्णय लिया गया कि जो प्रदेश का जो है गाइडलाइन है व्यापार मंडल चुनाव की, उसके अनुसार ही जो है व्यापार मंडल के चुनाव कराए जाएंगे। 15 तारीख से 25 दिसंबर तक सदस्यता अभियान रहेगा, उसके बाद सदस्यता का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद चुनाव की तिथि इत्यादि जो है सभी घोषणाएं कर दी जाएंगी, ऐसा निर्णय आज किया गया है। जब से पूरा दोबारा से वो बने हैं हम लोग, हमें जिम्मेदारी दी गई है पूरे जिले में दोबारा से सारे चुनाव कराए जाएँ। पूरे प्रदेश में इस समय जब से नवीन व्यापार मंडल बना है चुनाव हुए हैं, बीच में कोरोना की वजह से हम लोग थोड़े दिन रुके रहे, अब हम पूरे प्रदेश के हिसाब से मेरे को जिलाध्यक्ष होने के नाते जिले की जिम्मेदारी है पूरे जिले में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें किच्छा में सदस्यता समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग सितारगंज में सदस्यता अभियान शुरू करने के संदर्भ में बैठक करने आए थे और जिले से ही बुक्स सब आई हैं, पूरा बुकलेट वगैरह सारा सिस्टम आया है, वो सारा आपस में हम सब लोगों ने सहमति बनाई है कि 15 तारीख से यहाँ पर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा।